बाद आशना जी आपने इन सबको क्यों बुलाया? वो एक्चुअली मानव धर्मेश तुम सब लोगों से कुछ कहना चाहता है। मैम ऑफिस के स्टाफ तक तो ठीक था, इन सबको क्यों बुलाया? धर्मेश मानव की इंसल्ट सबके सामने हुई है तो जाहिर है तो माफी भी सबके सामने ही मांगो। और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, तुम अपनी मर्जी से माफी मांग रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो प्लीज गो अहेड। रहने दीजिए मैम, मुझे इसके मुंह से सॉरी सुनने का कोई शौक नहीं। नहीं मानव, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। धर्मेश आप सब लोगों से माफी मांगकर ये साबित करना चाहते हैं कि वो दोबारा ये गलती कभी नहीं करेगा। धर्मेश इरादा बदल गया हो तो तुम अपने कैबिन में वापस जा सकते हो। लगता है सबके सामने मानव से माफी मांगनी ही पड़ेगी। आशना जी आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या बात है, खामोश हो, माफी मांगना नहीं चाहते? तू ये माफी मांग रहा है या एहसान कर रहा है? I'm sorry, उससे गलती हो गई, आइंदा से ये सब नहीं होगा। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी पिछली गलतियों के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तू क्यों इतनी उदास हो रही? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। अच्छा सही कह रहे, धर्मेश की गलती के लिए तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? तो आशना जी ने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। मैं नहीं चाहता था कि धर्मेश मुझसे माफी मांगे। अच्छा मुझे उसको नीचे दिखा के क्या मिलेगा? नहीं जीजू, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि धर्मेश ने आपसे माफी मांगी, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं धर्मेश जैसे इंसान की बीवी हूँ जिसने हमेशा आपको बर्बाद करने की कोशिश की। वैसे तो क्यों इतना सोच रही? देख मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। नहीं ताई, मुझे नहीं लगता धर्मेश जैसा इंसान कभी सुधर सकता है। मेरी ही गलती थी कि मैंने धर्मेश जैसे इंसान के साथ फिर से रिश्ता जोड़ लिया और मेरी उसे गलती की सजा आप सब भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों को वादा करती हूँ, आज के बाद धर्मेश को आप दोनों के खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे उसके नजरों में गिरना ही क्यों ना पड़े। नहीं वैशु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। लेकिन चीचू, वैशाली मेरी बात सुन, मैं तुम्हारा भाई हूं ना, अपने भाई की बात नहीं मानो। देखो हमारी वजह से अपनी खुशियों पर आज मत लाने दो, अब ये रोना बंद करो प्लीज।
भाईशू अब चले। देख सच्चू भी स्कूल से आता होगा, मुझे निकलना होगा, मानव हम निकलते हैं। प्रशांत हमारे आएगा? मानव दोनों आयु को मैंने बाहर घूमने के लिए भेज दिया है। चले भाईशू चल। एक मिनट ताई। आप तो मेरे जीजू थे ही, पर आज आपके रूप में एक भाई भी मिल गया, इसलिए। कितना अच्छा था ना गेटवे ऑफ इंडिया, इतने साल मुंबई में रही लेकिन देखा ही नहीं। बस अखबार में एक बार तस्वीर देखी थी, बहुत अच्छा लगा। अरे इतने साल बंबई में रहने के बाद आपने गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखा? मुझे लगता है आपको घूमने फिरने का शौक नहीं है। शौक तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, आप तो जानती है कि पहले मैं नासिक में थी, जब शादी करके मुंबई में आ गई, उसके बाद घर गृहस्थी बच्चे उनकी पढ़ाई लिखाई, वक्त कैसे निकल गया ना कुछ समझ में ही नहीं आया। आज तो ऐसा लगता है कि जिंदगी आगे चली गई लेकिन जीना पीछे ही छूट गया। जाने गया वो गया, अभी हम दोनों फ्री है ना, आपको कोई टेंशन नहीं, जिम्मेदारी नहीं, बच्चों के भी बच्चे हो गए। अभी देखो हम दोनों को अपने तरीके से हमारे लिए जीना है, बराबर? तो चलते हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे हाजी अली, दर्शन करेंगे। टैक्सी। अगो भाई सविता तेरी टैक्सी किस लिए? हम बस से चलते ना। बस में नहीं जाएंगे, अब टैक्सी में जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। हाँ लेकिन पैसे भी बहुत खर्च होंगे खामखा। पैसे की मत सोचो ना आप। देखो हम अगर ट्रेन से गए, झगड़ा, पसीने की बदबू, खिंचा की धक्का धक्की, उसमें अपने पूरा पिकनिक का मजा किरकिरा हो जाएगा। उससे क्या है, हम टैक्सी में जाएंगे, आराम से जाएंगे, और समुंदर का मजा तो टैक्सी से लूट सकते हैं, ट्रेन से मिलेगा क्या? नहीं ना। और आप इतना पैसे का क्यों सोचते? हमारा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, वो गुस्सा नहीं होगा, उसे तो खुशी होगी। जाते हैं टीवी देख रही है तू? ऐसे मैं तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्यों? उस दिन तू वहाँ पर मानो क्या पार्टी कर रही थी, तुझे पता था कि रुचि और पुन्नी मुझसे बिना बताए वहाँ पर आई है? अब तो भी तूने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा? आई मैं कितनी परेशान थी, उन दोनों के लिए मेरी जान सूखी जा रही थी। अच्छा तू शांत हो जा। एक्चुअली ना उन दोनों को वहाँ देखकर मैं भी काफी परेशान हो गई थी। मैंने उन्हें पूछने की कोशिश भी की कि वो कब आई है, कैसे आई है, लेकिन तेरी बेटियां तो तू जानती है ना, मुझे देखकर ऐसा भागती है कि जैसे भूत देखा हो। अरे बात तक नहीं की उन्होंने मुझसे। फिर मैंने दूसरों से मालूम करने की कोशिश की, तब तक तू आ गई। लेकिन मंजू एक बात बताओ, मैं तुझे उस दिन ना तेरी माँ होने पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी मैं। अरे कैसे एक एक का मुंह बंद कर दिया तूने? अरे तेरे जाने के बाद भी वहाँ सारे लोग सन्नाटे में बैठे रहे। तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि उस दिन तूने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया था, उल्टा मुझे डांटा तूने सबके सामने। अरे पागल हो गई है क्या तू? मैं तेरा सपोर्ट करती तो मेरा ही पत्ता कट हो जाता। आई मुझे तो उन लोगों की शक्ल से भी नफरत है, मैं तो बप्पा से प्रार्थना करती हूँ कि उनमें से कोई भी व्यक्ति ना मेरे सामने ना आए, वरना मैं उसका क्या हाल करूंगी ना। अरे आई मेरी बेटियों को ही मेरे खिलाफ भड़का रहते, मुझे पता है ये सब कुछ उन लोगों ने जानबूझकर किया था, मुझे दिखाना चाहते थे कि हमारे बिना वो लोग कितने खुश हैं। अरे हम भी तो खुश हैं ना, हमारे घर में वो अपने घर में खुश रहे, मुझे उनकी खुशियों से क्या लेना देना है। अरे खुश रहे मेरी बला से। उस मानो के पास में बहुत पैसा आ गया है ना, तो सबको सहारा देते बैठता है, देखती हूँ मैं ये खुशी कितने दिन तक बरकरार रहती है। अरे आई जब बात गले तक आ जाएगी ना, तब ये जो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है ना, फूटी आँख नहीं सुहाएगा।
हाँ, और वो बुढ़िया विनोद की आई, अरे कितनी किचकिच करती थी, कितनी किचकिच करती थी। मंजू ये मत कर, मंजू वो मत कर, मंजू मुझसे ये काम नहीं होता है, मुझे दिखाई देना बंद हो गया, मेरा सर दुखता है। अरे कितना बोलती थी, उसकी इसी चिकची की वजह से मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मंजू बच्चा शांत हो जा, बच्चा शांत हो जा तू। अरे क्यों इतना सोचती है, अरे मैं हूं ना यहाँ पर। उस बुढ़िया ने तेरे साथ जो जो किया है ना, उस सबका बदला लूंगी मैं, उनकी खुशियों को मैं तहस नहस कर दूंगी। और एक्चुअली ना मैंने वो मिशन स्टार्ट भी किया है। उस मानो को अपने पैसों की बहुत अकड़ है ना, बहुत अकड़ है ना उसे, उन्हीं पैसों का हथियार बनाकर मैं उसके घर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अरे भाई तुझे बहुत गर्मी हो रही है ना। अरे इतना सब सोचेगी तो गर्मी होगी, चल अंदर चल के बैठ के बात करते ना। मंजू ये अंदर बाहर नहीं होता है मुझसे, तू एक काम करना, यह हॉल में ये एसी लगवा दे तू, तो यहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और तेरा रुतबा भी मना रहेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना, हम लोगों ने अभी कार के लिए लोन करने का सोचा है, तो वो लोन एक बार सैंक्शन हो जाए ना तो नए एसी के लिए भी लोन ले लेंगे। तू नहीं जानती आई, आजकल कार की कितनी जरूरत महसूस होती है, कि वो ऑटो वाले उनसे तो मैं किचकिच कर करके परेशान हो गई हूँ। सही बात है, तेरी कार तो आनी ही चाहिए, और जब तेरी कार आएगी ना उस मानो का ना नीचे हो जाएगा। अरे नीचे क्या हो जाएगी, कट जाएगी उसकी नाक। अर्षा अरे मानो मैं पागल, लाइए दीजिए। हाँ सुनो आई, सोम को पानी चाहिए। एक मिनट मानो। अर्षा सुनो ना। सच्चू मिला। हाँ मानो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आई सोम के कपड़े खराब हो गए। मैं सोम के लिए कपड़े लेके आई। अरे मैं सच्चू तू भी ना। सुनो मेरी बात तो सुन लो। एक सेकंड देखिए, उसके कपड़े सारे गीले हो गए, सोम सोया भी नहीं है, मैं उसको मेरे चावल, मेरे चावल जल रहे। अरे मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात सुनना चाहते। मानव ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छा बताइए क्या बात है। मानव 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 अभी क्या कर रहे हैं? और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त भी नहीं है। हाँ वो तो है मानव, लेकिन कुछ दिनों बाद तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुझसे मिलने के। ओह अपॉइंटमेंट, और अगर एडवांस में मैंने तुम्हारा एक पूरा दिन बुक कर लिया तो उसे शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ। ठीक है मंजूर है, लेकिन आप अफोर्ड कर पाएंगे, मतलब मेरी फीस बहुत ज्यादा हाई है। तुम बोलो तो सही। सच्ची बोल दूं? अरे बताओ ना। ठीक है, अगर आपको मेरा पूरा एक दिन चाहिए तो उसके बदले में आपको अपने ऑफिस की 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्या हुआ? चक्कर आ गया? नहीं नहीं आप ठीक है ना? हाँ। तो फिर बताइए अपॉइंटमेंट कब दूं आपको। अच्छा वो कोई कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है मैं चावल देख कर आती हूँ। अपॉइंटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आज जो मौका मिला है उसका तो फायदा उठाने में। शबनम पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं।
का मौसम तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेहतर अर्चना तुमने आपको क्यों बुला रही मैंने तो आई घबरा क्या आई से कुछ नहीं एक काम करना फोन करना अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको देती हूँ अरे देवा इतना घूमे मतलब नहीं तो नहीं और गए तो इतने थक गए रे बाप रे इतनी सारी शॉपिंग हाँ बंबई घूमने गए ना तो इतनी सारी शॉपिंग होगी बाबा तेरी आई को लेके गई थी मैं गेटवे ऑफ इंडिया उसने कभी देखा नहीं था ना तो मैं बोली चलो बंबई की शान दिखाती हूँ तुझे पता है हम वहाँ भी गए थे मरीन लाइन्स और वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस बारिश में इन्होंने मुझे चना जोर गरम खिलाया इतना मजा आया ना अर्जुन और उसके बाद में मैंने क्या किया वहाँ जो धक्का रहता है ना कट्टा बोलते जिसको मराठी में उसके ऊपर जो बैठते है ना लड़के लड़कियाँ उनको मैंने इतना सताया सब भाग गए और फिर क्या हुआ फिर क्या फिर हम घूमते घूमते फिर हाजी अली भी गए सच कहती हूँ वहाँ इतनी शांति थी ना जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे शांति और सुकून मिलता है बस वैसा ही सुकून वहाँ जाकर मिला बस 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 अब मुझे कुछ नहीं सुनना है आप दोनों अकेले घूम कर आ गए आपको अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है ना रहने दीजिए अरे अर्चना आए तो मैं लेके कैसे जा सकती थी क्यों क्यों नहीं ले जाते अरे तुम दिन भर काम करती रहती हो काम ही काम करती रहती देखा इसलिए नहीं लेके गए हाँ हाँ आई लेकिन आपको पता है आजकल मैं अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लेती हूँ अब देखिए मैंने रात का खाना भी बना के रख दिया है मैं एकदम फ्री हूँ लेकिन कोई बात नहीं आप दोनों ने मस्ती की आप दोनों ने एंजॉय किया उसमें मैंने भी कर लिया अब चलिए आप थक गई होंगी ना मैं आपके पांव दबा देती सही कहा तुमने किसको किसको अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं मानो ये क्या कर रहे हो भाई एक बेटे का फर्ज होता है अरे लेकिन तुम भी तो ऑफिस गए थे तुम्हें भी आराम की जरूरत है लेकिन आई बाबा को सेवा करके जो शांति मिलती है जो थकान मिटती है वो और किसी में नहीं होती थकान मिटाने के और भी उपाय है मेरे पास मैं अभी बताती सुंदरी जी मैडम सुंदरी जरा गर्म पानी लेकर आओ नमक डालकर थोड़ी देर उसमें सिकाई करेंगे ना तो अच्छा लगेगा